कभी भी नहीं। हाँ, बोलो तो। मेरे तन्नुज भैया बड़े अच्छे हैं। एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि मैं नहीं गा सकती, इतनी नहीं मर्जी क्यों, जब मैं सिंगर बनी थी तब तो तुमने आगे सपोर्ट नहीं किया। फिर मैं लोगों को नीचे दिखाती हूँ, देख मेरे पास एंड्रॉइड और मेरे पास आईफोन है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ ना कि मेरे लड़के ही दोस्त है, लड़कियों के साथ मेरे को कंफर्टेबल नहीं होता है क्योंकि लड़कियाँ बहुत प्रिटी सी लाइक करती हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टीवन ब्लॉग्स में। तो देखिए हिमाचल की आवाज, देखिए मिलियंस में व्यूज और हिमाचल की कैसी फीमेल सिंगर। देखिए सिर्फ हिमाचल में नहीं, हिमाचल के बाहर भी फेमस है और मेरी फेवरेट। दोस्तों हमने बहुत कोशिश की है और बहुत टाइम बाद आज रोहिणी डोगरा हमारे साथ। तो मैम कैसे हैं आप? तो देखिए कोई बात नहीं, आज हम बिल्कुल लाइव बना रहे हैं क्योंकि मैं चाहता था कि रियलिटी दिखाई जाए, क्योंकि हमेशा लोगों का एक मानसिकता होती है कि सिंगर्स कैसे हैं, कैसे उनका लाइफ स्टाइल है, क्या वो सच में वैसे हैं या नहीं। तो शुरू करते हैं आज। तो मैम कहाँ से आप? बेसिकली मैं कोटगढ़ से। जी जी। और कोटगढ़ से आप, तो कैसे क्या था सिंगिंग का शुरुआत आपने? When I was in third class, मैंने तब से शुरू किया मतलब सिंगिंग का। तो पहले मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, टू बी ऑनेस्ट अभी भी नहीं है जी। लेकिन फिर जैसे जैसे लोग तारीफ करते हैं और गाने भी मिलियन में चले गए तो उसके बाद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो मैंने सोचा कि मैं इसी में कंटिन्यू करती हूँ और इसी में आगे फ्यूचर बनाती हूँ। देखिए हिमाचल जैसे कल्चर में जहाँ पे लड़कियों को उतना सपोर्टिंग नहीं होता है, तो आपका फैमिली का सपोर्ट था क्या? मेरा फैमिली का ही सपोर्ट था तभी मैं यहाँ हूँ। अच्छा। स्पेशली मेरे पापा जी, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को खुद से उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना मेरे पापा मेरे को बताते हैं। तो रोहिणी मैम एक बात बताइए, कौन सा सॉन्ग था जो आपका मतलब सबसे पहले लगा था, मतलब कि वायरल हुआ था? टिकटॉक। देखिए टिकटॉक सुना है, बेरहम सुना है, 30 लाख प्लस व्यूज थे। एक चीज़ है जो मैं मतलब हमेशा देखता हूँ कि मतलब हमारे जितने भी सिंगर्स हैं 40-50 हज़ार व्यूज़ के बाद एक ईगो आ जाता है कि यार मैंने किया है, क्योंकि ये टफ भी है। हम यूट्यूब में काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, तो जब आपके मिलियंस क्रॉस करते हैं ना सॉन्ग, तो उसके बाद आप में वो चीज़ नहीं आती कि ईगो है मेरे में, मैंने किया है? नहीं वैसे ऐसा तो कुछ नहीं है। नंबर डाउन टू अर्थ मतलब ये होता है जिन लोगों को जिनसे होता है ना कि जो आपको सपोर्ट नहीं करते, या फिर जो अगर आप इस फील्ड में हो तो थॉट आने देते हैं आपको, तो उनका मूड ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, तो उनको कुछ दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो डिजर्व मतलब मेरे हिसाब से तो वो डिजर्व ही नहीं करते ना मेरी लाइफ में, पर मेरे को अच्छा लगता है उनको नीचे दिखाने के लिए कि मेरे और ज़्यादा व्यूज हैं और तुम देखो तुम वही हो, मैं यहाँ हूँ जी। तो देखिए एक बात मैंने देखी है और मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब भी हम रोहिणी डोगरा से मिलते हैं तो एक अलग चीज़ देखने को मिलती है। एक आर्टिस्ट से आप मिलते हैं ना तो उसमें एक ईगो होता है, लेकिन इनमें वो चीज़ नहीं है। हमेशा जब हमने इनको इंटरव्यू के लिए बोला तो इन्होंने भी इजीली ये चीज़ कही। तो क्या कई बार ऐसा होता है ना जब आप मतलब लाइव में आप गाते हैं, हमेशा देखा मैं बहुत सारे लाइव में, तो कई बार किसी फैन ने नीचे से आई लव यू बोला हो या कुछ बोला हो आपको, तो आप उससे मतलब रिएक्ट किया हो आपने कभी, हुआ ऐसा क्या? I love you तो नहीं, लेकिन मेरे को फूल दिए गए हैं जी, मतलब अभी रिसेंटली जो जी जी हाँ वो देखा था उस टाइम फूल दिए थे, इतना अच्छा लग रहा था मेरे को, क्योंकि स्पेशल फील होता है ना कि आप लोग यार वहाँ हो, आप लोग आपको इंजॉय कर रहे हैं, आपके गानों को इंजॉय कर, तो अच्छा लगता है मतलब मेरे को। मैं तो चाहती हूँ मेरे साथ हर शो में ऐसा हो। नहीं कई बार ना कुछ फैंस ना थोड़े क्रेजी होते हैं, पागल जैसे होते हैं, तो आपको बार बार मैसेज किया हो या मतलब आप जैसे दिखते हो तो आपको डर लगा हो किसी फैन से, ऐसा हुआ है क्या? ऐसे बहुत है मतलब धमकियाँ देते हैं, आप रिप्लाई नहीं करते हो तो हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो फिर बोल ही सकते हैं ना, अगर वो कुछ कर सकते तो मेरे घर के बाहर होते जी 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 क्योंकि मेरा एड्रेस सबको ही पता है, मेरा घर कहाँ है क्या है सबको पता है। सही बात है। तो क्या आपने सोचा था कि ये लेवल तक आप पहुँचेंगे कभी, मतलब जब शुरू किया था? नहीं मैंने सोचा नहीं था, बट मेरे को आना था इस लेवल जी, मैंने कभी नहीं सोचा ऐसे कितना बड़ा, लेकिन चलो अच्छा है, बहुत अच्छा है। रोहिणी डोगरा अगर सिंगर नहीं होती तो क्या होती? वैसे मैं टू बी ऑनेस्ट जो मेरा सपना था जी, मेरे को बनना था पुलिस। पुलिस क्यों? पुलिस क्यों? मेरे पापा आर्मी में हैं। अच्छा। तो आर्मी में तो मैं जा नहीं सकती क्योंकि इतनी मैं, मेरे को पता है मैं हूँ नहीं जी। तो मेरे को पुलिस का था, मेरे को अभी भी है नो डाउट, अगर मेरे को अभी भी पुलिस और म्यूजिक में से चूज करेंगे ना अगर, तो मैं पुलिस मतलब मैं जाना ज़्यादा प्रेफर करूँगी।
जैसे शुरू किया आपने मतलब पहाड़ी कल्चर में, तो ये नहीं लगा था डर कि पहाड़ी इतना वायरल होगा ही नहीं? क्योंकि लोग आजकल ना यूथ जो पहाड़ी में नहीं आता है, मतलब शर्म करते हैं यहाँ पे, जो शिमला में आते तो अपना पहाड़ी स्लैंग में बात नहीं करते, डरते हैं कि हमें गवार समझा जाएगा, हमें पहाड़िया समझा जाएगा। लेकिन आपने पहाड़ी कल्चर को ही प्रमोट करा है, तो वो कैसे शुरू किया? तो एक्चुअली मैं बताती हूँ स्टार्टिंग से, मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मेरे को फेमस होना है। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि मेरे को गाने करने हैं पहाड़ी, क्योंकि हम यहीं पे पले बने हैं। तो मेरे पापा को मतलब बहुत शौक था म्यूज़िक का, तो वो खुद तो कुछ कर नहीं पाए, तो आर्मी में जी वो, तो मैंने सोचा कि मैं ही कुछ करती हूँ। पर मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे को अभी इससे बड़ा बनना है या उससे बड़ा बनना है, मेरे को उसके जैसा बनना है, मैंने कभी नहीं सोचा। मेरे को बस अपने लिए, अपनी खुशी के लिए मैंने किया। और मैंने आज तक मतलब मैं मेरा टिकटॉक गाना आके शायद लॉकडाउन के बाद इतना टाइम हो गया, मैंने आज तक उसमें व्यूज़ चेक नहीं किए कितने आए हैं। मैं अपने गाने चेक करती नहीं। और सबसे बड़ी बात कि जैसे लोग मेरे को बोलते हैं ना कि आपके कितने गाने हैं, अगर मेरे को ऐसे भी आगे कोई बोलता है, आप नहीं हूँ, मैं मना कर देती हूँ, नहीं मैं नहीं हूँ। क्योंकि मेरे को, मैं बहुत कैमरा शाय हूँ, मतलब मेरे को बहुत शायनेस होती है। हाँ, अगर स्टेज पर चढ़ जाऊँ फिर मेरे को ऑडियंस चाहिए, ऐसे मेरे को लोग नहीं चाहिए। अगर स्टेज पर जाऊँ तो मेरे को लोग दिखने चाहिए आसपास की, हाँ कुछ है माहौल। क्योंकि हम देखते हैं वो एनर्जी आपके सॉन्ग्स में दिखती है, वो लाइव में तो ज़्यादा दिखती है, क्योंकि जब आप क्राउड को लेके चलते हैं तो एक अलग चीज़ होती है वो। तो मैम देखिए, आपको ब्लश क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, तो उसके पीछे क्या वजह है? मेरे जितने भी गाने आए हैं सारे मेरे बर्थडे के दिन आए हैं जी। तो हमने जो मेरा फर्स्ट गाना था उसका नाम था बर्थडे ब्लश जी। हाँ। तो उसके बाद जितने भी गाने आते रहे वो ब्लश ब्लश चलता गया। तो एक बार मैं मतलब एक शो में थी जी। तो वहाँ पे एक एंकर ने अनाउंसमेंट कर दी ब्लश क्वीन की जी। तो तब से ये नाम मतलब सबने सुन लिया। तो पहले तो लोग मजाक बनाते थे इस चीज़ का, अब ब्लश क्वीन ब्लश क्वीन। अब उसके बाद ये इतना फेमस हो गया कि अब हर जगह ब्लश क्वीन ही बोलते हैं। और मैंने एक चीज़ नोटिस की, उसके बाद मैंने बहुत सारी देखी, कोई पहाड़ी क्वीन, कोई बुशहरी क्वीन, मैंने उसके बाद क्वींस क्वींस आती रही। नाटी किंग एक ही था, क्वीन के बाद बहुत लोग आए। मुझे अच्छा लगता है चलो कुछ यूनिक सा। देखिए हिमाचल की ब्लश क्वीन है और आप सभी जानते हैं। तो देखिए आपकी जितने भी सॉन्ग है मैक्सिमम लोगों को खुशी देते हैं, मतलब पार्टी सॉन्ग है, नाचने वाले सॉन्ग है। तो क्या कभी आप सैड सॉन्ग पे आना चाहेंगी? नहीं। क्यों, आपको क्या लगता है सैड सॉन्ग क्यों नहीं? एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि मैं नहीं गा सकती हूँ, क्योंकि मैं 24 घंटे हंसती रहती हूँ। मेरे अंदर वो फील ही नहीं है कि मैं सैड सॉन्ग गाऊँ, टू बी ऑनेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ ये नाचने गाने वाले तक ठीक है, मैंने सैड सॉन्ग मैंने आज तक इसीलिए ट्राई नहीं, क्योंकि मेरा वो फील इमोशन ही नहीं आते अंदर से। ऐसा नहीं है मेरा रिलेशनशिप नहीं टूटा, टूटा है। देखिए पब्लिक, आज सबको बताऊंगा मैं, जो भी दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि कई सिंगल लौंडे हैं, कई बहुत बड़े फैन हैं जो रोते हैं, आज उनको पता लगेगा रोहिणी डोगरा सिंगल है या कुछ और। क्या आप सिंगल हैं? ऑन पब्लिक, ऑन पब्लिक, क्या आप सिंगल हैं? लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकते। अब रोहिणी डोगरा सिंगल नहीं है, अब जाहिर सी बातें नहीं भी होना चाहिए क्योंकि। तो कब तक कर रहे हैं आप शादी? कोई लगता है आपको शादी करनी चाहिए? आपको कितनी साल में करोगे शादी? जी शादी जब मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाऊंगी। जी अभी मेरे को करना है लाइफ में कुछ आगे जाते नहीं है, तो वो मैं चिपका लूंगी। सजना जी मैंने छोड़ के नहीं जाना कभी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कभी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कभी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कभी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं। जाने मेरी जानी पर जानी मैनू छड़ना नहीं आनी तेरी याद हर दफा, समझाए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो वही जैसा। आपके पास आईफोन? मेरी पहली कमाई नहीं, पहली नहीं, मतलब मैंने इकट्ठे किए थे पैसे, फिर मैंने आईफोन लिया। फिर मैं लोगों को नीचे दिखाती हूँ, देख तेरे पास एंड्रॉइड और मेरे पास आईफोन है। खुद की कमाई, अपने बाप की नहीं, खुद की कमाई। एक चीज बताइए, जैसे आप बोलती हैं अंदर से क्या है रोहिणी डोगरा, मतलब इतना हार्ड है क्या अंदर से? नहीं, अगर मैं वो चीज बता दूंगी तो लोग खेलना शुरू कर देंगे। सही बात, इसीलिए मैं करने का मुझे तो देखिए रोहिणी डोगरा हमारे साथ, बहुत ही मजा आता है गाइस जब आप एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलते हैं जो आप जिनके आप फैन हैं, मतलब एज ए फैन मेरे को बहुत खुशी होती है, आपको भी होगी, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे, हमने भी देखा है, तो बहुत खुशी मिलती है गाइस, थैंक यू। तो मैं कहना चाहती हूँ, आगे लड़कियों को बहुत कुछ बोलते हैं इस फील्ड में, लेकिन ना लड़कियों के खुद के हाथ पे होता है कि उसको कैसे रहना है। अब जैसे मैं हूँ, अभी आप देख रहे हो मैं आप दोनों से बात कर रही हूँ, तो मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मैं आपको पहले से जानती हूँ। अब अगर यहाँ पे कोई तीसरा बंदा देख रहा होगा कि भाई ये तो फ्रैंक है, लड़कों के साथ घूमती है, अब आप दोनों मेरे भाई हो ना, अगर कोई थर्ड पर्सन देखेगा जो मुझे जानता है, बोलेगा हाँ हाँ वो तो लड़कों के साथ घूमती है, बस
तो मैं ये बताना चाहती हूँ ना कि मेरे लड़के ही दोस्त है, लड़कियों के साथ मेरे को कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि लड़कियाँ बहुत क्रिटिसाइज करती है और लड़कियाँ ही लड़कियों को खराब करती है। क्या आपका सीन हुआ है किसी लड़की के साथ? मुझे लगता है हुआ है। मेरे को नाम नहीं लेंगे, लेकिन किस प्रकार का था, मतलब नाम मत लीजिए, लेकिन बताइए क्या सीन था। यही बातें फालतू की करना, फालतू की क्रिटिसाइज करना, ये सब चीजें, तभी मेरे को लड़कियों से नफरत है। तो देखिए हम खेलेंगे एक छोटी सी गेम रोहिणी डोगरा के साथ। तो मैम बताइए आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग? टिकटॉक। और आपका फेवरेट सिंगर, मतलब वर्ल्ड वाइड अगर बोलना चाहे? एक नहीं है। अच्छा, अरिजीत। अरिजीत। और लव मैरिज या अरेंज मैरिज? कुछ भी हो सकता है। शिमला या रामपुर? रामपुर। अच्छा, और हिमाचल या उत्तराखंड? दोनों। बीजेपी या कांग्रेस? दोनों। दोनों। ऐसा क्यों, आप इतना सेफ क्यों खेलती है? मैं एक आर्टिस्ट हूँ और एक आर्टिस्ट को कभी भी किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। मैं मतलब मेरा ये है, क्योंकि अभी क्या बता, कभी आपको कांग्रेस वाले बुलाए, कभी बीजेपी वाले, चल चल बड़े पैसा छापो। तो देखिए कितना ऑनेस्टली इन्होंने जवाब दिया कि पैसा मैटर करता है, मतलब क्योंकि पैसे के लिए हम काम कर रहे हैं। फिर से एक बार, पुलिस या सिंगर? पुलिस। पुलिस। शादी पुलिस से करेंगे या सिंगर से? पुलिस। क्या आप चाहती है कि पुलिस वाला ही हो? घर में मम्मी ज्यादा सॉफ्ट है या पापा? पापा। वैसे आपने बताया नहीं आपका रिलेशनशिप कितनी बार टूटा है। आपको सुपर पावर दी जाए, मतलब भगवान आपको एक काम, मतलब आपको कुछ कहे कि मांगना है, कुछ आपको एक विश मांगनी है, तो क्या विश होगी? मतलब पुलिस से इतना प्यार है तो आपको पुलिस ही बनना चाहिए था मुझे लगता है। हाँ, इतने भी मार दिया और फिर सिंगिंग लाइन में आ गई, तो दोनों पे सवार हो गए, तो डूबो गई ना, मैं पुलिस बनती ना मैं सिंगर बनती, तो मैंने सोचा कि सिंगर इज बेटर ऑप्शन। एक संदेश जो आप देना चाहें लड़कियों को सिर्फ, कि मतलब जो यूथ जो चाहता है इस लाइन पे आना, तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे आना चाहिए? फिलहाल लड़कियों के लिए तो कुछ भी नहीं जी, क्योंकि लड़कियाँ किसी की सुनती नहीं है, मैं खुद एक लड़की हूँ तो मैं भी किसी की नहीं सुनती। आपको जो मन करता है ना आप वो करो। इस फील्ड में मैंने देखा है कि किसी के मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते। जी हाँ, नहीं करते, क्योंकि वो भी सच्चे हैं जी, है ना, जब चीज़ों को देखेंगे तो नहीं करते हैं। बट मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको अपने बच्चों पे विश्वास है ना वो कुछ कर सकते हैं, तो उसको भेजो उस चीज़ में। अब जैसे मेरे पेरेंट्स ने किया था, मेरे पापा स्टार्टिंग से बाहर बाहर ही होते थे, अब मम्मी साथ में होते हैं, तो मम्मी भी कितना ही करते हैं, तो खुद से ही करना पड़ता है हर चीज़ को। ये थोड़ा इमोशनल हो गया इसमें ना, वो वाला नहीं जीती है मेरे को। अगर मेरी आवाज श्री श्री सुन रहे हैं तो कृपया करके अपनी लड़की को इतना नहीं, मेरे पापा अब तो मेरे साथ ही रहते हैं, अब तो शिमला में एक जा सकते हैं मिलने। और मेरे पापा का नाम है श्री मोती डोगरा जी, आप बोलने कि हम के पापा हो, तो आपसे बहुत अच्छी बता है, मतलब मैं तो बहुत अच्छी हूँ ना, मेरे पापा मेरे से भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मतलब हो गया मैं ये क्वेश्चन वैसे मेरा नहीं था, तनुज भाई का था। और ये बात बताइए कि आपने बाल जब ऐसे कि आपको डर नहीं लगा कि मेरे इतने कलरफुल बाल है या मतलब मैं अलग दिखूंगी, अलग दिखने के लिए किया था या अच्छा लग रहा था? नहीं, मेरे को अच्छा लगता है, मतलब मैं हर महीने अपने बालों में एक्सपेरिमेंट करती हूँ। अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा, 3-4 दिन पहले इतने लंबे थे, अभी मैंने शॉर्ट कर दिया है, अभी मैं 3-4 दिन बाद फिर इसमें कोई और कलर कर दूंगी, मेरे को अच्छा लगता है बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करना। सही बात है, आप भी एक्सपेरिमेंट करिए, लेकिन बंदर है गाइस यहाँ पे। तो देखिए मैम बहुत ही अच्छा रहा, वैसे क्या आप फूडी हो? बहुत ज़्यादा, मैं 24 घंटे खाती हूँ। देखिए खाना ज़रूरी है। और देखिए एक और बात बताइए, आपका फेवरेट कलर? मेरे को सभी पसंद है, बस ज़्यादा रेड। तो देखिए आज काफ़ी अच्छा लगा, तो बताइए फ्यूचर का क्या गोल्स है और किस तरह से आप देखते हैं फ्यूचर में कौन से सॉन्ग्स आ रहे हैं? अभी मेरा कल या परसों एक नया गाना आने वाला है, तो प्लीज़ गाइस उसको भी देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे आएगा वो, मेरा अपना खुद का चैनल। अच्छा, ऑफिशियल। अभी मैंने खुद बनाया है, मतलब मेरे को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है चैनल बाकी, अभी मेरे को तरुज ने बोला कि दीदी आप करो आगे कुछ। हाँ। तो मैंने सोचा कि छोटे भाई की बात को भी। सही बात है, तरुज भाई का भी सपोर्टिंग है क्योंकि अभी भी वीडियो पे काम कर रहे हैं, हमारे साथ भी काम करते हैं, तो ऑफिशियल चैनल पे आएगा। हाँ जी दोस्तों, लिंक तो आपको मिलेगा ही क्योंकि अभी हम मेंशन भी करेंगे इनको इस वीडियो में, तो शायद ये सॉन्ग से पहले ये वीडियो आ जाए, तो सॉन्ग को जरूर देखिएगा। और थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू, बाय तनुज। बाय दीदी। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ, धन्यवाद, बाय बाय। लाइक करो गाइस, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जय शंकर। अगर भी दिल करे।